दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको रिफ्रेशिंग पान मिल्क शेक बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ले लिया मैंने मिक्सी का जार, और इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले दूध। दूध मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा कप दूध ले रही हूँ। दूध डालने के बाद दोस्तों, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब पाउडर शुगर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है गुलकंद, इसमें मैंने मीठी सौंफ और कैंडी और चेरी वगैरह मैंने इसमें मिक्स कर दी है अच्छे से। ये इसमें चेरी है, और दोस्तों इस गुलकंद को हम इसमें डाल देंगे, ऐड करेंगे दूध में अपने जार में। और अब हम ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने पान के पत्ते कट कर लिए हैं, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये 2 ही पत्ते थे, मैंने कट कर लिए हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिए हैं। आप चाहो तो इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हो, बट मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने अवॉइड करी है। और इसको दोस्तों अब जार को पकड़ लेंगे बंद, और इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो मैंने दोस्तों मिक्सी में इसको बंद कर दिया है जार को, अब हम मिक्सी में इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये रिफ्रेशिंग पान मिल्क शेक रेडी है, हम इसको सर्व कर लेते हैं ग्लास में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रिफ्रेशिंग पान मिल्क शेक बन के बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रिफ्रेशिंग पान मिल्क शेक की रेसिपी मेरी पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।